दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोपाल नगर में छापेमारी करते हुए जुआ खेल रहे 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 17,000 रूपये की नकदी तथा ताश बरामद की गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जीवन सिंह ने बताया कि पुलिस के पास गुप्त सूचना आई थी कि साइंदा स्कूल की ग्राउंड में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश दी और 12 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों काबू कर लिया। साइंदा स्कूल के विच इतलाह मिली है कि कोई लड़के जिहड़े है वो ताश ला के नाल जुआ पैसे ला के जुआ खेड़ पेड़ कर रहे हैं। तो मैं 3 पुलिस पार्टियां बना के इतने मौके पर भेजी है। पहली पार्टी जिहड़ी है वह इंचार्ज हेड कांस्टेबल चैन सिंह जी, इन्हें राजन, दिनेश, एक रमन कुमार, एक साम लाल, चारा व्यक्ति को फड़ के ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5720 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5730 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5850 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 52 ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ